तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और आपका परिवार भी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं चटनी बनाने जा रही हूँ, और किस चीज़ की चटनी बनाने जा रही हूँ आप लोग को बताऊँगी और दिखाऊँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं चटनी बनाने जा रही हूँ बथुआ का। बथुआ मैंने उबाल ली हूँ पानी में, उबाल कर उसके बाद मैं अब इसको सिल कर पीसूँगी बथुआ। तो और मैं मिर्चा ली हूँ, नमक और लहसुन ली हूँ। तो मैं इसको अब जा रही हूँ सिल पर पीसूँगी। ये मैं इसको पीसने जा रही हूँ। बथुआ को मैं पीसने जा रही हूँ, अब आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इस तरह से बथुआ, अगर आप लोग को चटनी खाना है तो बथुआ को चटनी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग को धनिया से ज़्यादा चटनी बथुआ का टेस्टी होता है दोस्तों। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, और खाने में स्वादिष्ट भी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है धनिया से ज़्यादा। देख रहे हैं दोस्तों मेरा चटनी बनकर रेडी हो चुका है, आप खाने के लिए रेडी हो जाओ। आप लोग आ जाइए खाने, चटनी खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से चटनी एक बार ज़रूर बनाएं, बथुआ का उबाल कर चटनी और लहसुन और मिर्चा डाल दीजिए, नमक। और तो आप लोग इस तरह से जैसे मैं चटनी बनाई हूँ, तो आप लोग इस तरह से आप लोग एक बार चटनी बनाएं, और आप लोग को बहुत पसंद आएगा दोस्तों। स्वादिष्ट भी होती है बथुआ का चटनी, धनिया से ज़्यादा चटनी अच्छी लगती है बथुआ का। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा चटनी बनकर रेडी हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं। तो वीडियो मेरा अगर आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों प्लीज़। आप लोग एक बार ज़्यादा ज़्यादा आप लोग ज़रूर ट्राई करना ही चटनी को, जैसे मैं बनाई हूँ बथुआ उबाल कर। तो आप लोग, और जो बोलने में गलती हो गई हो मुझसे, उस गलती को क्षमा करना आप लोग प्लीज़ दोस्तों। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना बथुआ का चटनी खाने का, प्रयोग करें।